देखिए बेटा, तो हमारी जो स्टेप्स थे वो यही थे, चार स्टेप। सिस्टम लेना है आपको एक, ठीक है। सिस्टम की कंडीशन आपको क्लियर है ऑलरेडी कि आप केवल उसी को सिस्टम ले सकते हैं जिसमें कि हर पार्टिकल का एक्सलरेशन सेम होगा, ठीक है ना। उसी को सिस्टम ले सकते हैं। तो हमारा पहला फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स समझ रहे हैं हम, कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसे कहते हैं और कैसे लगाया जाता है। तो आपका एक ब्लॉक रखा हुआ है बेटा इस सरफेस पर, रेस्ट पर है। आपको इस ब्लॉक और सरफेस के बीच नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना है, ठीक है। इस ब्लॉक और सरफेस के बीच आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना है। तो आपके स्टेप्स क्या क्या होंगे? तो जब भी हमारे पास इस तरह का न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का प्रॉब्लम है, सबसे पहला काम है सिस्टम लेंगे हम। तो सिस्टम की कंडीशन थी एक्सलरेशन सेम होना चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर हर पार्टिकल का एक्सिलरेशन सेम है, ठीक है, और कितना है वो जीरो है। इसलिए आप बिल्कुल इस स्मॉल एम को हम सिस्टम ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस स्मॉल एम को हम सिस्टम ले सकते हैं। तो आप इस पर फोर्सेस लगाइए। आप कैसे लगाएंगे? नेक्स्ट स्टेप आपका यही है, FBD एंड एक्सिस ड्रॉ करना। तो एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स आप देख चुके हैं, MG लगा देंगे। MG हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। और जो दूसरा फोर्स है आपका, आप सिस्टम कैसे देखें, बाकी फोर्सेस कौन से हैं? नॉन कॉन्टेक्ट तो हो गया MG। अब कॉन्टेक्ट फोर्स देखने के लिए आपको सिस्टम की बाउंड्रीज पे ट्रेवल करना है बेटा। सराउंडिंग से कॉन्टेक्ट देखेंगे तो यहाँ तक कोई कॉन्टेक्ट नहीं है सराउंडिंग से, बट जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो आपको एक कॉन्टेक्ट सरफेस मिलेगी। कॉन्टेक्ट सरफेस का जो फोर्स है वही आपका क्या कहलाता है? नॉर्मल फोर्स कहलाता है। कॉन्टेक्ट सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। दूसरा पॉइंट, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज ए पुशिंग फोर्स, ठीक है। तीसरा पॉइंट, फॉर डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन के लिए क्या करना होगा? गो टू द कॉन्टेक्ट सरफेस एंड पुश द सिस्टम परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कि आप सरफेस के परपेंडिकुलर सिस्टम को धक्का दे दीजिए सरफेस पर अपना हैंड रख के। तो यहाँ पर सरफेस पर हैंड रखा, सिस्टम कौन सा है आपका? स्मॉल एम है, इसको धक्का मारिए आप। तो ये जो धक्के की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो इसलिए आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किधर आ जाएगा? सरफेस के परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब आपका एक्सलरेशन जीरो है, इसलिए आप F=ma अप्लाई करिए। तो क्या करेंगे? अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल पॉजिटिव ले लिया, नॉर्मल रिएक्शन माइनस MG, MG क्योंकि अपोजिट था, इक्वल टू MA। ये आपने एक्सलरेशन डायग्राम में जीरो ही था इसका एक्सलरेशन, और समीशन F=ma। तो आपका ये जीरो होने की वजह से नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आ गया? MG के बराबर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से, अब ये सिंपल सा लग रहा है दिखने में बेटा, बट एक एक प्रोसेस क्लियर होनी चाहिए। मैंने किस तरह से सरफेस पे गया हूँ, कैसे मैंने बाउंड्रीज पर ट्रेवल किया है सिस्टम की, किस तरीके से मैंने नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स MG लगाया है, कॉन्टेक्ट फोर्स मैंने कैसे देखा है, ठीक है। तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपके टू ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है। टू ब्लॉक्स हैं आपके M1 M2। तो M1 M2 जब दोनों ब्लॉक हैं आपका, तो आपको निकालना है कि M1 M2 के बीच, वही रेस पर रखा हुआ है सिस्टम दोनों ब्लॉक का। तो आपको निकालना है M1 M2 के बीच नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, M1 M2 के बीच नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी। देखिए आप कैसे करेंगे इसको, M1 M2 के बीच नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के लिए आप वही करेंगे बेटा। अभी स्टेप्स फॉलो करेंगे ढंग से। सिस्टम लिया आपने M1 प्लस M2, पूरे को सिस्टम ले सकते हैं क्या? दो सरफेसेस हैं, दोनों पर पूछिए आपसे N1 N2, तो क्या आप पूरे को सिस्टम ले सकते हैं क्या? तो जवाब आएगा क्योंकि हर पार्टिकल का एक्सलरेशन जीरो है, ठीक है। इसलिए आप M1 प्लस M2 पूरे को एक साथ सिस्टम ले सकते हैं। तो आपने ले लिया, चलो M1 M2 एक साथ सिस्टम ले लिया इसको, ठीक है। जब M1 M2 को आपने सिस्टम ले लिया, तो अब इस पर फोर्सेस अप्लाई करिए। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस पर? तो आपको एक तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स मिल गया है इस पर, M1 प्लस M2 इंटू G। अब ध्यान रखिए बेटा, इनके बीच की जो नॉर्मल फोर्स है, जितना इसने इस पे लगाया उतना ही इसने इस पे लगाया। तो ये इंटरनल फोर्स पिक्चर में नहीं आते हैं FBD में, ठीक है। FBD के लिए हम सिस्टम किसको लेते हैं, जिसके हर पार्टिकल का एक्सलरेशन सेम हो,
ठीक है। और एफबीडी ड्रॉ करते वक्त आपके पार्टिकल्स के बीच के इंटरनल फोर्सेस पिक्चर में नहीं आते हैं, केवल एक्सटर्नल फोर्सेस ही ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका M1 प्लस M2 इंटू जी, तो आपका नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स हो गया। फिर आपका यहाँ पर एक बाउंड्रीज पे ट्रेवल करिए सिस्टम की M1 प्लस M2 की, तो आपको केवल यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस मिलेगी। तो क्या करना है आपको डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन के लिए, गो टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, पुश द सिस्टम। तो इस ग्राउंड से सरफेस से जो इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ रहा है उसकी डायरेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो M1 प्लस M2 के FBD में कौन कौन से फोर्सेज आ गए, एक तो आ गया M1 प्लस M2G और इस सरफेस से नॉर्मल फोर्स। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम M1 प्लस M2 का कंप्लीट हो गया है बेटा, इसके अलावा इसमें अब कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एक्सलरेशन डायग्राम के नाम पे क्या आपका भी एक्सलरेशन जीरो है, ठीक है। फिर वही कहानी, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लीजिए, अभी एक्स एक्सिस नहीं आ रही है अपनी, एक ही डायरेक्शन है मान लो वाई एक्सिस है, तो आपने अपवर्ड वाई एक्सिस पॉजिटिव बोल दी, ऊपर प्लस जे कैप हो गया, तो ऊपर वाले फोर्स को आप क्या लिखोगे N1 J कैप, तो सब जगह जे कैप आता है तो वो हट जाता है, तो एक स्ट्रेट लाइन पर पॉजिटिव नेगेटिव से ही काम चल जाता है अपना। तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली तो N1 पॉजिटिव हो गया, M1 प्लस M2 नीचे की तरफ है, माइनस M1 प्लस M2 इंटू जी आ गया, क्योंकि कोई एक्सलरेशन है नहीं इसका, इसलिए आपने इसको जीरो कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से इस ग्राउंड सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना आ जाएगा आपका, M1 प्लस M2 इंटू जी आ जाएगा, ये ग्राउंड सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना है जैसे N2 निकालना है, तो अब आपको N2 के लिए तो इंडिविजुअल को सिस्टम लेना ही पड़ेगा, N2 के लिए तो आपको इंडिविजुअल को सिस्टम लेना ही पड़ेगा तभी पिक्चर में आएगा। अब आपकी मर्जी है, आप केवल M2 को ले लेंगे तब भी N2 पिक्चर में आ जाएगा, M1 को ले लेंगे तब भी पिक्चर में आ जाएगा। तो मान लीजिए मैंने M2 को सिस्टम लिया, ये मेरा M2 हो गया, ठीक है। M2 पे कौन से फोर्सेस लगेंगे, एक तो आ रहा है आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में M2G आ रहा है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, दूसरा फोर्स कैसा आएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N2। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट सरफेस पर जाएंगे और सिस्टम को पुश करेंगे, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट सरफेस पर जाएंगे और सिस्टम को पुश करेंगे, तो आपको डायरेक्शन ऊपर होगी N2 मिल गया, ये M2 का FBD ड्रॉ हो गया बेटा, कुछ नहीं है इसके FBD में। ध्यान रखें N1 किसी भी तरह से M2 पे नहीं लगेगा, आपने बाउंड्रीज पर ट्रेवल करना है आपको M2 की, यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट सरफेस मिली, कॉन्टेक्ट सरफेस कैसा फोर्स लगाती है, नॉर्मल फोर्स लगाती है, तो सरफेस पे जाके पुश कर दिया आपने बस, ठीक है। तो आपको ये N2 की डायरेक्शन मिल गई, किसी भी तरह से इस M2 के फ्री बॉडी डायग्राम में N1 पिक्चर में नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो आपका N2 अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया, M2G डाउनवर्ड लग रहा है, एक्सलरेशन है नहीं सिस्टम का, तो N2 माइनस M2G इक्वल टू जीरो, तो वहां से क्या निकल के आ जाएगा, N2 इक्वल्स टू M2 इंटू जी, ठीक है। तो ये आपके ऊपर वाले ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ गया। अब आप ये N2 M1 को सिस्टम लेके भी निकाल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें, ठीक है। आप ये M1 को सिस्टम में लेके भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने M1 को सिस्टम लिया, लगाई है FBD, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स M1G लगा दीजिए, बाउंड्री पर आपने ट्रेवल करा, बाउंड्रीज पर आपको क्या मिला, एक M2 सरफेस से कॉन्टेक्ट मिला M2 की, डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे नॉर्मल रिएक्शन की, कॉन्टेक्ट सरफेस पर जाके सिस्टम को धक्का मार देंगे। तो सिस्टम ध्यान रखिए बेटा M1 है, तो धक्का नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि अगर आप इसको ऊपर कर देंगे तो आप अपने हैंड से पुल करेंगे उसको, ठीक है ना। कॉन्टेक्ट सरफेस पर जाके देखिए सिस्टम किधर है, सिस्टम नीचे की तरफ है, धक्का मार दीजिए उसको, तो आपको यहाँ पर ये डायरेक्शन मिल जाएगी N2 फोर्स की मिल जाएगी, ठीक है। ये आपको N2 फोर्स की डायरेक्शन मिल गई, तो ये M1 का FBD कंप्लीट हो गया है बेटा यहाँ, ठीक है। ये M1 का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, आपने उस पर नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेज और कॉन्टेक्ट फोर्सेज सब लगा दी अच्छी तरह, ठीक है। तो ये M1 का आपको फ्री बॉडी डायग्राम मिल गया है, तो अब आप आगे क्या करेंगे इस पर, एक्सलरेशन डायग्राम क्या है, जीरो एक्सलरेशन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में आप फोर्सेज बैलेंस कर दीजिए,
आपने ऊपर लगाया N1, ये दोनों अपोजिट में थे, क्या बोलेंगे, N1 माइनस M2 माइनस M1G इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना आ गया, N2 प्लस M1 इंटू जी आर। N1 की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दीजिए, ये जो आपने N1 निकाला था, तो अपने आप N2 M2G के बराबर आ गया। वानी तो वैल्यू सेम ही थी, बट इस पर ये ध्यान रखिए बेटा, N2 मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन है। इस सरफेस ने जितना इस पे लगाया है, ऊपर वाली सरफेस भी उतना ही लगाएगी। यहाँ पर आपने N2 लिया था जैसे, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर M2 भी M1 पे कितना लगाएगा, N2 ही फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे, गो टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, पुश द सिस्टम परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, ठीक है। इस तरह से डायरेक्शन आएगी और प्रोसेस का ध्यान रखेंगे। NLM में क्या प्रोसेस है बेटा, पहले सिस्टम लेते जाएगी, सिस्टम उसको लीजिए जिसमें हर पार्टिकल का एक्सलरेशन सेम हो, फिर उसका FBD ड्रॉ कर लीजिए, एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, फिर देखिए अगर एक्सलरेशन पहले से पता है तो एक्सलरेशन डायग्राम भी आ जाएगा साथ में, नहीं पता है तो फिर आप एक्सलरेशन डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे। फोर्थ स्टेप, हर डायरेक्शन में समीशन, जो भी आपने एक्सिस चूज करेंगे, मेनली दो से ही काम चल जाएगा आपका, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चूज करेंगे और उनके डायरेक्शन में आप एफ इक्वस टू एम ए अप्लाई कर देंगे। तो ये चारों स्टेप्स लगाना सीखना है। तो आपने इस सीक्वेंस में सबसे पहला फोर्स सीखा है, अभी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, अभी टेंशन फोर्स और स्प्रिंग फोर्स और भी सीखने हैं, ठीक है। उससे पहले हम एक प्रॉब्लम देखते हैं इसी नॉर्मल फोर्स निकालने की।